फाइनली बच्चों, मणिपाल की काउंसलिंग भी शुरू हो चुकी है। उसकी चॉइस फिलिंग भी कल से ही स्टार्ट हो गई थी। बट जैसे ही स्टार्ट हुई तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि इस बार जो है हमारे किस रैंक तक हमें कौन सा कैंपस मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग मणिपाल के मेन कैंपस के बारे में कट ऑफ जानेंगे, वो भी सभी ब्रांचेस का। ऊपर से मैं आपको राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री तीनों की कट ऑफ बताने वाला हूँ, जिससे कि एक क्लैरिटी मिल जाए। साथ ही साथ इस बार कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि आपको पता है 50% वेटेज आपका बोर्ड्स का है, 50% वेटेज आपका मणिपाल एग्जाम का है। तो इनसे क्या है कि आपकी जो रैंक बनी है उससे आप लोग नाखुश भी हो, क्योंकि बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरी रैंक बन जाएगी 7000-8000, उनकी रैंक बनी है 18000-19000। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है और कह भी रहे हैं कि ये स्कैम तो नहीं हो गया हमारे साथ। तो देखो, जो भी अब रैंक आई है इसी से काउंसलिंग करनी पड़ेगी, अब कुछ आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ज्यादा बात नहीं करते, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, सभी कटऑफ्स को देखना शुरू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी से लेके जब तक मणिपाल की काउंसलिंग चलेगी तब तक ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा होगा। सो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। MIT मणिपाल, इसके जो है सभी ब्रांच के बारे में बात करेंगे। यहां जैसे कि आपको दिख रहा है राउंड वन, राउंड टू एंड राउंड थ्री इस तरीके से रहने वाला है। तो देखो, मैं पहले ही आपको एक चीज समझा देता हूं कि इस साल क्या है कि आपका ये बोर्ड्स और ये वाले के चक्कर में आपका रैंक जो खराब हुआ है उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो कट ऑफ्स मैं बताऊंगा वो लगभग उतनी ही कट ऑफ्स रहने वाली है इस ईयर भी। आप लोग सोचोगे कि इस साल कुछ ज्यादा हाई कट ऑफ तो नहीं हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लगभग यही कट ऑफ्स रहने वाली है। पहले हम CSE ब्रांच की बात करें तो CSE अगर आप लोग चाहते हो तो आपको यहां पे 1602 रैंक तक मिल जाएगा। पहला राउंड वन होगा तो उसमें 1083 रैंक तक ही मिला था बच्चे को, और राउंड टू में 1432 तक ही मिला था। बट राउंड थ्री तक जाते हैं तो बेस्ट से बेस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो CSE विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो वो हमारा 1607 राउंड वन, उसके बाद राउंड टू जो है 2154, राउंड थ्री 2382 रैंक तक आपको मिल जाता है। बाकी बात करें कंप्यूटर साइंस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी तो 3704, अब बाकी राउंड थ्री तक देखोगे तो 3737 तक मिल जाएगा। IT ब्रांच देखोगे राउंड वन एंड राउंड टू आप लोग देख सकते हो 4765 राउंड थ्री तक आपको मिल जाता है। नेक्स्ट ब्रांच की बात करें तो डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 5794, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो 6360, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की बात करें तो 6771। देखो बच्चों, अभी मैंने कुछ ब्रांचेस का डिस्कशन किया है, अभी मैं और भी ब्रांचेस का डिस्कशन करूंगा, बट उससे पहले 3-4 मिनट्स में आपके लेने वाला हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको सुनना चाहिए। अगर आप लोग स्किप करते हो इस पार्ट को तो हो सकता है कि आप एक अच्छे कैंपस में आपको मिल सकता था, उसकी एक अच्छी ब्रांच मिल सकती थी, बट यही कि आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी, जिस वजह से जाकर के आपको एक बेटर ब्रांच या बेटर कैंपस नहीं मिल पाया। क्योंकि यहां पे टोटल 4 कैंपस आपको देखने को मिलते हैं। मेन कैंपस हो गया MIT मणिपाल, बाकी बेंगलुरु, जयपुर और सिक्किम, तो ये 4 कैंपसेस हैं। तो इसमें आपको इतनी सारी ब्रांचेस देखने को मिलेगी, इन ब्रांचेस को आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अच्छे से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें एक मिस्टेक हो जाती है, बच्चों को मिल सकता था मेन कैंपस और गलती से मिल गया उनको जयपुर वाला कैंपस, फिर वो बाद में रिग्रेट करते हैं, फिर उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चे को तो बेटर वाली ब्रांच मिल सकती थी, बेटर कैंपस मिल सकता था, बट वही मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैंने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी, जिस वजह से बच्चे को मिल नहीं पाया। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच मिल जाए तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट, क्योंकि हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जितने बच्चे भी इनरोल्ड होते हैं उन सभी बच्चों को उनकी रैंक पे बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच मिल जाती है। ऑलरेडी हमारे पास 50+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइंड हो चुके हैं, बस कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये सीट्स बची हैं। अभी के लिए इसकी जो फी रहने वाली है ओनली 1999 है, ये कभी भी इंक्रीज हो सकती है, 1999 से 2999 हो जाएगी। तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी इसकी फीस आप लोग भरोगे तो 18-20 लाख रुपीज इसकी फीस ही है, और इतना ज्यादा फीस भरने वाले हो तो एक बेटर कैंपस एंड बेटर ब्रांच तो मिल सके। तो मैं अब आपको इसके फीचर्स बता देता हूं कि इसमें हम आपको क्या दे रहे हैं काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर। सबसे पहली चीज, जैसी आप लोग अभी जाकर के ज्वाइन करते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करते ही आपको एक कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं, साथ ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको एक ऐड कर दिया जाता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा कि आप जिस भी कैंपस में जा रहे हो उस कैंपस में जो भी आपके फ्रेंड्स बनने वाले होंगे ऑलरेडी जो उस कैंपस में ले रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट किया जाएगा, जिनसे कि आपके जो भी डाउट्स अभी से लेके जब तक आपका एडमिशन कॉलेज तक नहीं हो जाता तब तक आप लोग सारे के सारे डाउट्स आप लोग पूछ सकते हो। बाकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग से ही डिसाइड होगा कि कौन सी ब्रांच या कौन सा कैंपस मिलेगा।
तो ये चॉइस फिलिंग पर्सनलाइज्ड हमारे मेंटर आपको करा के देने वाले हैं, ठीक है। पर्सनलाइज्ड, जिस बच्चे की जो रैंक है उसके हिसाब से पर्सनलाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी भेज दिया बच्चे को ऐसे ही, क्योंकि काउंसलर्स मार्केट में काफी भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, 4 to 5 years का एक्सपीरियंस है, जो कि पिछले साल बच्चे आप लोग रिव्यू जाके देख सकते हो, पिछले साल भी हमारे पास लगभग 200+ स्टूडेंट्स थे। तो इसलिए जाकर के जो पर्सनल मेंटर है वो आपकी बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग कराएंगे। बाकी जो भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सब कुछ आपका क्लियर होने वाला है। तो इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाकर के 1999 में ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में जैसे ही बच्चे बढ़ेंगे तो पर्सनल मेंटर्स भी इंक्रीज होंगे, इसलिए 2999 फी हो जाएगी। इसलिए जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि हमारा एक्चुअली में ऑफिस भी है जहां से वीडियो शूट हो रही है, तो आप लोग ऑफिस विजिट करके भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। ऑफिस पे आने के लिए 99 rupees का आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, और इसकी जो ऑफलाइन में फीस रहने वाली है मणिपाल काउंसलिंग कराना चाहते हो, दैट इज 20,000 rupees। बट इस 20,000 में क्या होगा कि आप जितनी भी काउंसलिंग कराना चाहो, मणिपाल की, VIT की, बिटसेट की, या स्टेट काउंसलिंग जितनी भी कराना चाहो, तो 20,000 में ही इंक्लूडेड होगा। तो अगर आप लोग ऑफलाइन विजिट करना चाहते हो, हमारा ऑफिस दिल्ली NCR के अंदर है, तो विजिट करना चाहते हो तो 99 rupees का स्लॉट बुक कर लेना। बाकी अगर नहीं तो जल्दी से जाकर के ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट आप लोग ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट ब्रांचेस की बात करें तो ईसी ब्रांच आपको जो है राउंड वन में 6,788 तक, और बाकी राउंड थ्री तक अगर आप लोग जाते हो 8,820 तक आपको मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जो स्पेशलाइजेशन, दैट इज VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, वो आपको 13,725 यानी 14,000 तक आराम से मिल जाएगा। त्रिपली ब्रांच की बात करोगे तो 21,000 तक। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 29,000 तक मिल जाता है। साइबर फिजिकल सिस्टम 24,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 34,000। बायोटेक्नोलॉजी 30,000। मैकेट्रॉनिक्स 38,000। बाकी और नीचे ब्रांचेस की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको 47,000 तक मिल जाती है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 46,000 तक। केमिकल इंजीनियरिंग 48,000 तक। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 45,000 तक। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 47,000 तक। एंड सिविल इंजीनियरिंग 48,000 तक आपको आराम से मिल जाएगा। तो बच्चों मैं आपको सारी ब्रांचेस के बारे में, मेन कैंपस दैट इज MIT मणिपाल का मैंने आपको सब कुछ डिस्कस कर दिया है, फिर भी कुछ डाउट्स बच रहे हैं तो यू हैव द कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना। बाकी इसका कॉलेज रिव्यू भी डाला हुआ है तो वो भी आप लोग जाकर के देख सकते हो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।